हेलो गाइस यार, कल ही मैंने वीडियो में बताया था कि TVS iQube और वोल्वो C40 जो इलेक्ट्रिक कार 64 लाख की आती है उसमें आग लगने की खबर आई थी। कल के ही वीडियो में मैंने इसे कवर किया था और आज सुबह सुबह फिर से एक फायर इंसिडेंट का न्यूज़ मुझे सुनने को मिल रहा है। और भाई, ये अब तक का ना सबसे बड़ा फायर इंसिडेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि इस इंसिडेंट के वजह से ना एक आदमी आज ICU में है और दो हेवीली इंजर्ड है। ये इंसिडेंट हुई है रायपुर में, जहां ओला रात में चार्ज में लगा हुआ था और 4-5 बजे सुबह अचानक से उसमें आग लग जाती। और ओला के आसपास में जो पेट्रोल स्कूटर था ना, 3 पेट्रोल स्कूटर बताया जा रहा है कि एक्टिवा था, ओला की वजह से उन तीनों में भी आग लग जाती है। चलो, ये सब तो फाइनेंशियल लॉस आदमी मैनेज कर भी लेता है, बट इस इंसिडेंट के वजह से इनकी घर की जो मदर है ना, वो अभी ICU में एडमिट है। उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है और उनका फेस तक बर्न हो गया है। इनके फादर को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जब भी वो स्पिट कर रहे हैं तो अंदर से कुछ काला काला ऐसा कुछ निकल रहा है। और जिस भाई का गाड़ी था ना, उनका और उनका वाइफ का ना हाथ जल चुका है अपने बच्चों को बचाते टाइम। बहुत 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 ज़्यादा सैड न्यूज़ है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे ये देखकर। देखिए, ये भाई बता रहे हैं अपने एक लोकल न्यूज़ चैनल को कि चार्जिंग फुल होने से जो नोटिफिकेशन आता है वो नोटिफिकेशन भी नहीं आया था, मतलब चार्ज फुल नहीं हुआ था। और अगर हो भी जाता है ना यार, तो ऑटो डिस्कनेक्ट तो हो जाना चाहिए ना। बहुत कोई बोलता है ओवर चार्जिंग के वजह से ये हुआ, बट ओवर चार्जिंग क्यों होगा? अगर ओला आपसे 1.5 से 2 लाख रुपया ले रहा है तो ये छोटा सा फीचर्स तो उसको 100% एक्यूरेसी के साथ देना चाहिए ना, कि ओवर चार्जिंग ना हो। पहले भी कई बार फायर इंसिडेंट हो चुके हैं और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा फायर इंसिडेंट अभी तक जो है वो ओला में ही देखने को मिल रहा है। हो सकता है ओला का सेल बहुत ज़्यादा है इसलिए उसका परसेंटेज भी ज़्यादा है, बट वो कहते हैं ना कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पब्लिक आपकी गाड़ी को पसंद कर रही है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप 100% सेफ प्रोडक्ट पब्लिक तक पहुँचाओ। देखो क्या हाल हो गया है, घर का फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम तक इफेक्टेड हुआ है। भाई ओला क्या ही कॉम्पनसेट करेगा बताओ ना, बहुत ज़्यादा होगा तो एक नया गाड़ी दे देगा, बट जो हैरेसमेंट, जो डर से ये फैमिली अभी गुजरी है उसे ओला कैसे कॉम्पनसेट करेगा? गाइज, बी केयरफुल, आप ओला के भरोसे मत रहो। ऐसा मैंने पहले भी बोला है, ऐसे जगह गाड़ी को लगाओ जहाँ आसपास कोई ना हो। आपको अगर आपके पास ऐसा कोई जगह नहीं है तो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा गाइज, या फिर हाइपर चार्जर से बाहर ही चार्ज करो। घर पे चार्ज अवॉइड करो, जो मैं करता हूँ। मैं घर पे बहुत कम चार्ज करता हूँ और ओवरनाइट तो एकदम ना के बराबर ही करता हूँ, और हमेशा बाहर से ही चार्ज करके आता हूँ। आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी गाड़ी अगर जल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी गाड़ी की वजह से कोई और अगर इफेक्टेड हो जाए ना, तो फिर आप खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। एज अ ईवी लवर मुझे ये चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख होता है, ये फायर इंसिडेंट से। आई जस्ट होप ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना, रेंज वेंज जाए भाड़ में, फायर इंसिडेंट को जीरो करने की तरफ में ध्यान दे।